टॉस भी हो चुका है। प्रशांत क्या लेने हैं? और ये शानदार बोल्ड लाजवाब बॉलिंग। अन्नू के लिए, और ये बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पे। हिमांशु तैयार है प्रशांत, और यहाँ पे फुल टॉस गेंद पे और एज लगा है, और ये अनलकी अनलकी कहेंगे। और ये अभिषेक भाई देखते हैं फुल टॉस गेंद, ओह सॉरी शॉर्ट पिच गेंद हनी गेंद के नीचे, और देखते हैं क्या कर पाते, और हनी कभी कैच ड्रॉप नहीं कर पाते, हनी ने कैच कर लिया वहाँ पे एक और विकेट। क्या कहना चाहेंगे इस मैच के बारे में? हमारे बच्चों का 5-0 का सपना टूट गया। Hey guys, good morning, सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, एनएस गोस्वामी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज है सैटरडे मॉर्निंग और अर्ली मॉर्निंग 5 बजे का समय हो रहा है, और हम लोग जा रहे हैं आज क्रिकेट खेलने के लिए। यहाँ पे गर्मी का आलम इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि सेकंड स्लॉट थर्ड स्लॉट में मैच खेलने बहुत मुश्किल हो रहे हैं। सो अर्ली मॉर्निंग के ही स्लॉट हम लोग बुक करा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा ठंडा रहे और हम इजीली खेल सकें। अभी मेरे साथ हमारे उधर 3 प्लेयर खड़े हैं, भाई भी आने बाकी हैं। सो अभी देख सकते हैं आप चारों तरफ कितना अंधेरा है, अभी जितना भी उजाला दिख रहा होगा स्ट्रीट लाइट का उजाला है। ये देखिए क्रिकेट के प्रति प्रेम लोगों का, 5 बजे रोड पे खड़े हैं, देखिए वेट कर रहे हैं। ऐसे डेडिकेटेड प्लेयर होने चाहिए क्रिकेट के लिए, तभी बात बन पाएगी। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बहुत दूर घर से, लगभग 16 या 17 किलोमीटर दूर। ये देख सकते हैं हम ग्राउंड, सामने खेत भी हैं गेहूं के, मस्त गेहूं लगे हुए हैं, और अपने प्लेयर भी पहुँच चुके हैं सारे के सारे, और हमारे द फास्टेस्ट बॉलर नितिन वो भी पहुंच चुके, सारे पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट हमारे प्लेयर। 6 बजे सब ग्राउंड में तो पहुंच चुके हैं, बट देखिए अभी तक मैच स्टार्ट नहीं हुआ है। हमारे साथ बने हुए हैं आकाश, विपक्षी टीम के बहुत ही ज़्यादा होनहार प्लेयर। आकाश क्या लगता है आज? मुझे लगता है जो टीम चेज करेगी वो क्लियर विन हो जाएगी आज। मतलब जो है चेजिंग वाली टीम को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, और आप पिच देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पिच है, ये देखिए बहुत ही सुंदर। और यहाँ पे अभी तक स्टंप नहीं गड़े हैं, ग्राउंड्समैन आ गए हैं भाई अपने, और चारों तरफ आप देख सकते हैं। हेलो भैया, और यहाँ पे टॉस भी हो चुका है। प्रशांत क्या लेने हैं भाई? ये देखो टॉस जीत चुकी है, हमारी टीम टॉस जीत चुकी है, और देखते हैं अभी फैसला आने बाकी है। बॉलिंग कर रहे हैं हम लोग अभी, और यंग वर्सेस ओल्ड, यंग तो नहीं कहेंगे, जो FCC में नए हैं वो, और जो बहुत पुराने हैं वो, उनके बीच में मैच होना है आज। तो देखते हैं कैसा रहता है, इस सीरीज का दूसरा मैच है, और आज हमारी टीम में आएंगे नए चेहरे के रूप में मनोज भाई। बहुत ही बढ़िया नहीं, एक और शॉट है, बहुत बढ़िया, 3-4 रन ले लो, चलो भाग के शुक्ला जी, भागो भागो, चौका हो जाएगा वैसे तो। और ये रिंकू द एक्सप्रेस बॉलर शुरू करेंगे रन अप पे है अपने, देखते हैं हमारे जुझारू हनी प्लेयर कैसे खेल पाएंगे उसको, काफी जाने माने बॉलर है। और ये ऑलमोस्ट यॉर्कर, जबरदस्त पहली ही बॉल यॉर्कर मार दी थी। और ये शानदार बोल्ड लाजवाब बॉलिंग। चलो
और ये कप्तान साहब आते हुए, आज कप्तान साहब कप्तानी पारी खेलने के मूड में हैं। और ये तीन विकेट होते हुए तीन ओवर में, एक ही ओवर में तीन चार विकेट ले जा चुके हैं रिंकू बॉलर। बहुत ही बढ़िया शॉट। शॉट है। ओ भाई साहब, अफसोस मनाते हुए हमारे कप्तान चार ओवर खत्म कर दिए, आउट था। चार रन। मैं फिर मार के खेलूंगा, मैं रुक के नहीं खेलूंगा। दो चौके आगे, बढ़िया शॉट है लड़के। अरे राणा जी को इतना मत मारो, आरसी की टीम चल जाएंगे। कोई बात नहीं, अंपायर रिटायर होते हुए। बढ़िया शॉट, एक ही है। बढ़िया बढ़िया शॉट, क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़े गैप। भाई छह हो गए, उसके चार हो गए भाई, मैन ऑफ द मैच। और यहाँ मैन ऑफ द मैच लेते हुए आज रिंकू सिंह, रिंकू सिंह का बहुत ही बढ़िया। अनिल भाई चौका भाई का, और यहाँ पे आखिरी बॉल डालते हुए रिंकू भाई चार विकेट ले चुके अब तक। बचते हुए यहाँ ये तो फिर तो मैं राणा जी यहाँ चकमा खा गए बॉल से। अपना आखिरी ओवर करते हुए चार विकेट ले चुके अब तक बॉलर बैट्स कैप्टन ने इस अलग से भेजा है कि लास्ट विकेट भी लेंगे, पांचवा विकेट लेने की तैयारी में। काफी बहुत बड़ा गैप है, फॉर्म में है आज बॉलिंग की। पीछे के शोर को इग्नोर किया जाए और यहाँ बॉल लेके आते हैं रिंकू। शिवम ने उठा के मार दिया है और ये बॉल अन्नू के हाथ में, सिंपल सा एक रन, प्यारा सा एक रन। और यार रिंकू की दूसरी बॉल आखिरी ओवर की अपने,
आगे और थोड़ी तीसरा हो रहा है। बोल्ड मार दिया गया है और यहाँ पे पांचवा विकेट लेते हुए रिंकू सिंह, रिंकू सिंह गुसाई पांचवा विकेट लेते हुए अपना, आज कोई नहीं रोक पा रहा इनको। अभी यहाँ पे सचिन आ गए हमारी टीम से बैटिंग करने, यहाँ पे चीटिंग खोर पे फोकस किया जाए। ये देखिए चार रन यहाँ पे लेट कट, बढ़िया शिवम बढ़िया। ये छठा विकेट ले चुके हैं रिंकू सिंह, अब रिकॉर्ड नहीं कर पाए इस विकेट को, पता ही नहीं लगा। छठा विकेट रिंकू सिंह का, लास्ट बॉल है यहाँ पे। रिंकू का लास्ट तो एवरेज जीरो ही होगा ना फिर। अरे क्या था ये? ये क्या था यार? सिक्स हमें चेज कर रहे हैं और बॉलिंग बहुत ही अच्छी हुई है आज हमारी, और अपोनेंट टीम तैयार है अब हमारी। इनके पास धाकड़ गेंदबाजों की कमी नहीं है, चार चार धाकड़ गेंदबाज हैं इनके पास। ये देखिए एक धाकड़ गेंदबाजी, दो ये रहे, बहुत ही अच्छे अच्छे वाले बैट्समैन बॉलर हैं इनके पास। देखते हैं क्या कर पाते हैं, ये रोक पाते हैं या नहीं। मैच अच्छा होगा, लो स्कोर है, चेज करना है अभी हमें, पर देखते हैं क्या कर पाते हैं हमारे बल्लेबाज। अपोनेंट टीम की तरफ से शुक्ला जी आए हैं पहला ओवर डालने के लिए, और काफी जोश टीम में। सुशांत भाई सामना करेंगे उनका, शुक्ला जी की पहली गेंद, देखते हैं क्या कर पाते हैं सुशांत भाई। और पहली गेंद संभवतः वाइड का इशारा होगा, अंपायर का वाइड गेंद। शुक्ला जी अपने ओवर की अभी भी पहली गेंद है, बहुत अच्छे से डिफेंस किया उसको। शुक्ला जी अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर यहाँ पे सुशांत भाई को, सुशांत भाई ने घुमा दिया इसको, और यहाँ पे राणा जी कॉटन बोर्ड, ओहो राणा जी अनलक्की साबित हुए यहाँ पे, और पहली ही गेंद में विकेट दे बैठे। सुशांत भाई ने शॉट मारा और राणा जी उधर रन आउट हो चुके। सामने देख सकते हैं यहाँ पे मैदान जो है एकदम रेलवे लाइन के बगल में है, सामने लोकल ट्रेन गुजर रही है। शुक्ला जी इस ओवर में दूसरी बार सामना करेंगे सुशांत भाई, देखते हैं क्या कर पाते। शुक्ला जी की शॉर्ट पिच गेंद, और वहाँ पे फील्डर तैनात है हिमांशु के रूप में, आसानी से बॉल फील्ड हो गई, मात्र एक रन से संतोष करना पड़ेगा। सामने यहाँ पे थोड़ी सी इंजरी हुई है सुशांत भाई को, सीधा थ्रो उनके कान में आके लगा है, और देखते हैं अब वो ठीक है, मैच शुरू हो जाएगा। अंकुर भाई के रूप में नए बल्लेबाज और सामना करेंगे शुक्ला जी की गेंद का, देखते हैं क्या कर पाते हैं। और बहुत ही अच्छी गेंद शुक्ला जी की, ऑफ स्टंप के बाहर निकाल दी है उन्होंने, बहुत ही अच्छा जा रहा है उनका पहला ओवर। अंकुर भाई सामना करेंगे शुक्ला जी की गेंद का, और इसको आसानी से खेल दिया। अनुभवी कीपर मनोज जो कि लेदर गेंद और टेनिस गेंद दोनों में बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, आज थोड़े से अनलकी रहे, आज बल्ला नहीं चला, पर कीपिंग बहुत ही लाजवाब है इनकी। और दूसरे ओवर के लिए अब बुलाया गया है नितिन जूनियर को, बहुत ही तेज तर्रार गेंदबाज, बेस्ट बॉलर FCC के नितिन। सुशांत भाई सामना करेंगे, और पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, नितिन की दूसरी गेंद, और इसको उठा दिया है हवा में, वहाँ पे पीछे हैं हिमांशु, और बहुत ही अच्छा कैच हिमांशु का, वहाँ पे दूसरे विकेट का पतन, और लो स्कोर में लगातार विकेट गिरते जा रहे हैं। अन्नू के रूप में नए बल्लेबाज सामना करेंगे नितिन की गेंदबाजी का, बहुत ही अच्छी गेंद, पेस के साथ बीट किया है इस बार अन्नू को। नितिन अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर यहाँ पे, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, और बहुत ही अच्छी कीपिंग यहाँ पे मनोज की। नितिन अपने ओवर की पांचवी गेंद लेकर, और यहाँ पे बहुत ही शानदार ड्राइव वहाँ पे अनुराकार, वहाँ पे जोशी जी बॉल के पीछे, चार रन, आसानी से चार रन मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। अटैक पे बुलाया गया है हिमांशु को FCC के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर, और सामना करेंगे अंकुर जी, देखते हैं क्या कर पाते हैं। अंकुर भाई की बहुत ही अच्छा शॉट, और वहाँ पे उतनी अच्छी फील्डिंग
अपनी ही गेंद पर हिमांशु की, हिमांशु अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर, और यहां पे आसानी से एक रन मिल जाएगा लेग बाई के रूप में जब तक बॉल फील्ड होती है। टू इस ओवर में पांचवी बार अंकुर भाई बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं अभी तक, और इस बार काफ़ी अच्छी गेंद पेस के साथ बीट किया उसको, बहुत ही अच्छी कीपिंग यहाँ पे मनोज की भी साथ में। नितिन अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर सामना करेंगे, ओ सॉरी दूसरे ओवर की पहली गेंद, अनु सामना करेंगे नितिन की दूसरी गेंद का, और ये बहुत ही अच्छा शॉट अनु का, बहुत ही अच्छा उम्दा शॉट कहेंगे, चार रन। तीसरी गेंद लेकर यहाँ पे नितिन सामना करेंगे अनु, बहुत ही अच्छी गेंद। चौथी गेंद लेकर, अरे वहां पे बहुत ही अच्छा ट्राई था मनोज का बट, और फिर से अपने भरोसेमंद गेंदबाज हिमांशु पे भरोसा जताया गया, और अनु का बहुत ही शानदार शॉट, वहां पे कोई भी फील्डर मौजूद नहीं है, नो मेंस लैंड में बॉल गिरी, मात्र एक रन मिल पाएगा। हिमांशु दूसरी गेंद लेकर सामना करेंगे यहाँ पे अंकुर जी, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत हार्ड है, अंकुर जी सामना करेंगे यहाँ पे, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद इस बार फिर से, बहुत ही अच्छा, और यहाँ पे एक और कैच ड्रॉप है यहाँ पे, काफी ऊंचा था कैच, कोशिश की गई थी हिमांशु अन्नू के लिए, और ये बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही अच्छा कैच यहाँ पे। हिमांशु इस ओवर में एक विकेट प्राप्त कर चुके हैं सफल ओवर अभी तक, और अगले बल्लेबाज के रूप में नितिन सीनियर, फिर से एज लगा है, और यहाँ बाउंड्री लाइन के पार बॉल, चार रन। आकाश को लगा दिया गया है फर्स्ट स्लिप में, और वहाँ पे नितिन जो हैं अपने तीसरे ओवर की शुरुआत करने जा रहे हैं, नए बल्लेबाज के रूप में अभिषेक भाई आए हैं, और रिटायर्ड कर दिया गया है अंकुर जी को, उनकी जगह आए हैं नितिन सीनियर, देखते हैं अब क्या कर पाते हैं। बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद फिर से लेकर, और यहाँ गैप में निकाल दिया गया है वहाँ पे दो फील्डर्स के बीच में से, हनी गेंद के पीछे काफी तेजी से, और चार रन, बहुत बढ़िया बबलो, शाबाश, बहुत बढ़िया शॉट था, चार रन की प्राप्ति। अगली गेंद लेकर नितिन सामना करेंगे यहाँ पे बबलू भाई, और फिर से गैप में गेंद, एक रन आसानी से मिल जाएगा वहाँ पे, बहुत ही बराबर मैच में रोमांच बना हुआ है। चौथी गेंद लेकर नितिन यहाँ पे, नितिन जूनियर सीनियर को, और यहाँ पे कैच हवा में है, और उसके नीचे है अनिल भाई, शानदार कैच यहाँ पे। नितिन सफल ओवर अभी तक, नए बल्लेबाज प्रशांत, और आसानी से खेल दिया है उसको। हिमांशु अपने अगले ओवर की शुरुआत करेंगे, सामना करेंगे यहाँ पे बबलू भाई, और शानदार गैप में निकाल दिया गया है वहाँ पे, शुक्ला जी हैं गेंद के पीछे, मात्र एक ही रन मिल पाएगा, बहुत ही हिमांशु तीसरी गेंद लेकर, और ये शानदार चार रन वहाँ पे, बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत बढ़िया शॉट। हिमांशु तैयार है प्रशांत, और यहाँ पे फुल टॉस गेंद पे, और एज लगा है, और ये अनलकी, अनलकी कहेंगे, और ये हिमांशु का एक और विकेट। मैदान में जोश खरोश बढ़ता हुआ, और हिमांशु अगली गेंद लेकर तैयार हैं, और अपोजिशन टीम की आप देख सकते हैं फील्डिंग काफी क्लोज कर ली है, हिमांशु वहाँ पे तैयार है, चंदन भाई नए विकेट के रूप में है, नए बल्लेबाज, देखते हैं क्या कर पाते हैं यहाँ पे। हिमांशु की अगली गेंद, और हिमांशु के हाथ में गेंद, और ये एज लगा है, और मिस फील्ड के चलते कैच ड्रॉप। अपनी पारी का अंतिम ओवर लेकर नितिन चौथा ओवर लेकर सामना करेंगे अभिषेक भाई, देखते हैं फुल टॉस गेंद, ओ सॉरी शॉर्ट पिच गेंद, हनी गेंद के नीचे, और देखते हैं क्या कर पाते हैं, और हनी कभी कैच ड्रॉप नहीं कर पाते, हनी ने कैच कर लिया वहां पे एक और विकेट। जोश दोनों तरफ बराबर, और दबाव में खेल रही है अभी बैटिंग साइड की टीम। मनोज भाई सीनियर नए बल्लेबाज के रूप में अभिषेक भाई के विकेट होने के बाद, और अब देखते हैं क्या कर पाते हैं नितिन। अगली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, और यहाँ पे आसानी से एक रन मिल जाएगा, अभी एक एक रन बहुत कीमती है हमारी टीम के लिए। एक बार फिर यहाँ पे चंदन भाई सामना करेंगे नितिन की गेंद का, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छा डिफेंस यहाँ पे, फिर से एक बार चंदन भाई, ओ आज संभली हुई पारी खेल रहे हैं चंदन भाई, और स्लेजिंग देखिए आप, स्लेजिंग भी टीम में हो रही है, और ए एमजे की बहुत ही शानदार शॉट, वहां पे जरूरत है इस शॉट का, हनी बॉल के पीछे, मात्र एक रन मिल पाएगा यहां पे फिर से, और यहां पे मनोज भाई का शानदार चार रन। चंदन भाई एक बार फिर आकाश की गेंद का सामना करेंगे, पहली गेंद पे चौका मार चुके हैं
दूसरी गेंद वाइड, अगली गेंद सामना करेंगे मनोज भाई, और बहुत ही अच्छा ड्राइव, मात्र एक रन मिल पाएगा, एक रन। 10 ओवर की समाप्ति पे यहाँ पे स्कोर हुआ है 44 रन, टीम को मात्र 86 रन की जरूरत है, और अभी देखते हैं मतलब टीम को जो है 86 रन बनाने हैं, मतलब लक्ष्य ही 86 रन का है, जिसमें से 44 रन बन चुके हैं, 40 रन मात्र और बनाने हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया गया है अभी। 10 ओवर हो चुके हैं समाप्त, 10 ओवरों में 40 रन की जरूरत है, और देखते हैं क्या कर पाती है सचिन, नए गेंदबाज के रूप में है यहाँ पे मनोज भाई, सामना करेंगे सचिन की गेंदबाजी का। शॉर्ट पिच गेंद और इस शानदार ऑफ स्टंप पे चार लगी है, और इस बार फिर से सचिन सामना करेंगे, और एमजे का एक और शानदार चार रन शॉट। सचिन मनोज भाई बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, दो लगातार चौके मार चुके हैं, और इस बॉल में शानदार डिफेंस, इस ओवर में बहुत ही अच्छा शॉट, वहां पे हिमांशु वहां पे गेंद के नीचे हैं, और आसानी से लपक दिया है कैच। इस ओवर में एक बार फिर, और यहां पे शानदार चार रन, मात्र 11 रन चाहिए और 6 ओवर शेष, और ये बहुत ही अच्छा ड्राइव, मात्र एक रन और 10 रन शेष। एक बार फिर एमजे, और ये बहुत ही अच्छा चौका एमजे का, एक और चार, और इसी चौके के साथ मैच होता है समाप्त, और हम आसानी से जीत चुके हैं वाला मैच, मैं और भाई आज हमारे पास बैटिंग ही नहीं आई है दोनों के पास बेसिकली, और यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा डग आउट बहुत ही खुश, पहला मैच हारने के बाद दूसरे मैच में शानदार वापसी यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे आप चंदन भाई, आपकी पहली ले लो 7 विकेट ग्लेन में आकर आपका चाचा, 7 विकेट लिए, इसने 7 विकेट लिए हैं, 7 विकेट लिए भाई ने, और इसी बात पे मैं इनका कोच दिखाना चाहूंगा। डग आउट हमारा काफी खुश, और आज पहले मैच में जो इन्होंने हमें चिढ़ाया था हराने के बाद, आज उसकी कसर पूरी उतारी जाएगी। मैच के बाद के रुझान देख सकते हैं आप। क्या कहना चाहेंगे शुक्ला जी आप, अच्छा मैच आगे नेक्स्ट मैच में और मजा आएगा, एक एक बराबर हो गई है, देखते हैं अगला मैच क्या होता है। अंकुर भाई क्या कहना चाहेंगे इस मैच के बारे में, हमारे बच्चों का 5-0 का सपना टूट गया। ऑक्सीजन मास्क मेरा 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 मेरा, इसका ऑक्सीजन मास्क, और एक बच्चा रो पड़ा था, कौन सा बच्चा, चलो अब चलते हैं रन आउट ना होता तो पास की साइड आप देख सकते हैं, ग्रेवयार्ड कह सकते हैं आप मशीनों का, यहाँ पे जगह जगह पे देखिए आप, हर जगह मशीनें पड़ी हुई हैं टूटी फूटी खराब। करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।